आज जो हमने ये प्रेस वार्ता करी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारा एक ही मुद्दा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो वैसे ही 3-4 महीने जाने वाले हैं, बेटर है वो इस जिम्मेवारी के साथ जाएं कि मैंने, मेरे से गलती हुई है, मेरी सरकार से गलती हुई है, हम उस गलती को सुधारते हुए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये उनको जल्दी करना चाहिए, 4 महीने वैसे जाने वाले हैं तो उनके आत्मा पे थोड़ी शांति रहेगी कि मैंने कोई एक अच्छा काम भी करा है। सर, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी पुलिस की पुलिस या पेपर लीक होता है या कोई और मुद्दा उसमें आ जाता है, क्या कहते? मेरा मानना है ये कोई एक गिरोह काम करता है जो बीजेपी के संगठन से उनकी सांठगांठ है, और हर बार पुलिस की भर्ती में देखने को मिला है। जब सरकार की सांठगांठ होंगी तो ऐसे ही होंगे, हमारी सरकार के दौरान कभी ऐसी बातें नहीं हुई, पूरे ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शी तरीके से कोई भर्ती प्रक्रिया उसको पूरा किया गया। और बीजेपी शासनकाल में 3-4 एपिसोड ऐसे हो चुके हैं जहां ऐसी बातें निकल के आई हैं, और इस बार तो बीजेपी की सरकार ने खुद माना है, FIR खुद लॉन्च कराई है, वो उस बात का प्रमाण है कि हमारी बातें जो हम 4 साल से बोल रहे थे, प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस बात पे उन्होंने मोहर लगाई है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।